मैं इस समय गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड शारदा के अंदर, और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नए एडमिशन्स का दौर शुरू हो चुका है, स्कूल दोबारा से खुल चुके हैं। दो साल के बाद में स्कूल जो घरों में थे वो बच्चे स्कूल में आना शुरू हो गए। हमारे बीच में परविंदर सिंह लक्की साहब है जो कि चेयरमैन है स्कूल के, साथ में मैनेजर साहब दलविंदर जी भी हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे, स्कूल पुनः दोबारा खुल चुके हैं। एक वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले दो साल में बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक समय निकला है। कई लोगों ने अपने शुभचिंतकों को, अपने घर वालों को इस दौर में खोया भी है, और उनके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको भी एक बहुत बुरे दौर से निकलना पड़ा है। मैं उस अकाल पुरख वाहेगुरु के चरणों में अरदास करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से ये जो हमारा समय है वो समाप्त हुआ है। हम उस पीड़ादायक दौर से बाहर निकले हैं और स्कूल को खोल के हम बच्चों को पुनः स्कूल की तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। बात करें कोरोना काल के बाद में, दो साल बाद में बच्चे स्कूल आए हैं, ऑनलाइन का सफ़र जारी रहा बच्चों की, ताकि पढ़ाई रुके ना, बच्चे पढ़ाई से हटे ना। तो ऑनलाइन के दौरान अगर हम बात करें तो काफ़ी समस्या टीचर्स को भी आई और बच्चों को भी आई, पेरेंट्स को भी। एक्चुअली में उस दौर, जैसे हर बंदे को एक सीखने का समय रहता है, उसी तरीके से उस दौर ने भी हमारे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। ऑनलाइन का प्रोसेस जो पहले कभी नहीं था, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी जुड़े, एक सिस्टम बना, एक तरीके से एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ। पर अनुशासन और धैर्य और संयम जो आता है वो बच्चों को स्कूल में रहने पर ही आता है। उसके लिए वापस उनको स्कूल में आना बहुत ज़रूरी था, तो वो समय भी निकला। उससे भी बच्चों ने और पेरेंट्स ने, स्कूल में अध्यापकों ने भी कुछ ना कुछ सीखा, और उसको भी अपने एक जीवन का एक अनुभव की तरह सभी बच्चे भी और सारे स्टाफ भी लेगा। और अब वापस स्कूल में आके एक तरीके से ये है कि एक जीवन में एक नए पाठ को पढ़ा, और अब स्कूल में आना तो वैसे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अनुशासन के लिए भी, और उसको सारे बच्चों के साथ बैठना, उठना, सामाजिक व्यवस्थाएँ सीखना, तो वो सारा स्कूल खुलने से ही आता है बच्चों के। लक्की साहब, अगर हम बात करें, एक तरफ ऑफलाइन एजुकेशन, दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन, आप किसको ज़्यादा सही मानते हैं? हर दौर के साथ कुछ ना कुछ जो सीखने को मिलता है उसमें ये रहा कि चलो ऑफलाइन था तो बच्चों ने घर पे रह के पढ़ाई करी, क्योंकि उस टाइम सभी को अपने भी और अपने बच्चों की, अपने शुभचिंतकों की जान बचाने की भी वो थी, वो भी चुनौती से था, वो भी एक तरीके से चुनौती की तरह लड़ा, तो वो उससे, वो एक्सपीरियंस से भी कुछ ना कुछ बच्चों ने सीखा समझा, और अब वो सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। तो अब उसको देखते हुए स्कूल में वापस आना, क्योंकि छोटे छोटे नर्सरी वाले जो बच्चे उस टाइम एडमिशन हुए थे वो आज की डेट में पहली क्लास या दूसरी क्लास में हो चुके हैं, तो अब वो बच्चे भी एक तरीके से फ्रेश ही होंगे, स्कूल में आएंगे, बच्चों के साथ उठेंगे बैठेंगे एक तरीके से, फिर वो उनका रहन सहन, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए बच्चों को स्कूल में आना बहुत जरूरी है। दोनों चीज़ों की अपनी अपनी विशेषताएं। लेकिन लक्की साहब, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार इस समय ऑनलाइन पर ज़्यादा प्रेशर दे रही है, चाहे वो बायजूस ऐप के द्वारा हो, चाहे वो JR वाइट कोडिंग के द्वारा हो, क्या कहेंगे ऐसे में? अगर अवेलेबल ना हो, जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं बच्चे, बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, तो पढ़ने के लिए जब वो आते हैं तो उनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, तो चलो अब दूर बैठे हैं तो यहाँ से कहाँ। पर जब लोकेलिटी में स्कूल खुला हुआ है और अब खुल गया है और वाहेगुरु की कृपा से सारी चीज़ें भी दूर, क्योंकि मोबाइल है तो नेट नहीं है, नेट है तो मोबाइल, वो सारी समस्याएं होती हैं। वो कभी कहीं पे, कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में वहाँ नहीं पहुंचता मोबाइल नेटवर्क, और कई बंदे अपना स्मार्टफोन का नहीं कर पाते प्रबंध, तो सारी चीज़ें आती हैं। पर अगर बंदे यहीं निवासी आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं तो स्कूलों के साथ ऑफलाइन जो है सिस्टम ज़्यादा बेहतर रहता है। गुरु हरकृष्ण स्कूल की बात करें तो बच्चों मतलब हैंड सैनिटाइज़र भी है और मास्क वगैरह, ये सब चीज़, ये सारी चीज़ें प्राथमिकता दी है हमने। लॉकडाउन में ही हमने दो मेडिकल रूम जो हैं वो यहाँ पे खोल दिए थे, और उसमें सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से हमने सारी चीज़ें फॉलो करते हुए उसको खोला है। और हम ये भी है कि सारे सिस्टम को देखते हुए, बच्चों की भी सुरक्षा को देखते हुए, स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए सारे प्रबंध किए गए हैं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अभी बच्चों को कितने परसेंट लग पाई? हमारे यहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से हुआ, हमारे बच्चों ने 100% उसमें पार्टिसिपेट करा।
कोई अगर दो चार बच्चे रह भी गए होंगे किसी भी वजह से जो यहाँ नहीं थे, एज फैक्टर के, एज फैक्टर में नहीं पूरे हो रहे थे, फिट नहीं बैठ रहे थे, तो वो भी अब उसमें आके वो भी पूरा कर लेंगे काम। स्कूल प्रबंधक बच्चों के अभिभावकों से क्या अपील करेंगे? बच्चों के अभिभावकों से यही अपील है कि स्कूल खुलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और मैनेजमेंट पेरेंट्स के साथ पूरी तरीके से साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले समय में जैसे कोर्ट के ऑर्डर की वजह से सिर्फ ट्यूशन फीस वगैरह ली गई थी, तो अब स्कूल खुलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, सारे स्कूलों में ये गुरु रिशन पब्लिक स्कूल बहुत बड़ा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए सारे तरीके से जो पुरानी फीस है हमने कोई उसमें वो नहीं एक्सटेंशन नहीं करा किसी भी तरीके से, पर जो पुरानी फीस थी उसमें सारे पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखें कि स्कूल पे टाइम पे फीस दी जाए, ताकि सारा सिस्टम जो एक तरीके से बंद हो चुका है उसको खोलने के लिए जो भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और उनके लिए और उनके बच्चों की भलाई के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को हमारा साथ देना चाहिए। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल चलते चलते कि कोरोना काल के दौरान इकनॉमी की हालत सबकी बिगड़ी, तो बच्चे भी यहाँ से निकाले गए काफ़ी हद तक वो सरकारी स्कूल में, तो इस समय ज़रूरत है एडमिशन्स? दरअसल में ये है कि सभी के साथ था, कोई अभिभावकों को भी ये लग रहा था, पेरेंट्स को ये लग रहा था कि फीस हम नहीं पे कर पाएंगे, तो कईयों ने अपने उस हिसाब से ठीक है सरकारी स्कूलों में उन्होंने एडमिशन कराया, पर हमारा फीस स्ट्रक्चर आसपास के और स्कूलों से बहुत कम है, हमारे पास भी जो ज़्यादा महंगी फीस वाले स्कूलों से हमारे स्कूल में एडमिशन हुए हैं, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो स्कूल का जो भी हमने फैसिलिटी दे रखी हैं और जो हमारा पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए हमने, अगर हमारे पास से दो चार पांच बच्चे गए भी होंगे तो 10 बच्चे उसके बदले में आए भी, हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ कि हम ठीक है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है उसको मापदंड को देखते हुए हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ उसकी।